टिकट कटने के बाद वरुण गांधी का भविष्य क्या होगा, वरुण गांधी का सियासी फैसला क्या हो, बगावत करेंगे भाजपा ही बने रहेंगे या फिर शांति से बैठकर 2024 का महासंग्राम देखेंगे, इन सभी सवालों का वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने सीधा जवाब दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी से अभी कल वरुण गांधी के स्टैंड को लेकर सवाल होते थे तो वह गोलमोल जवाब देती थी, लेकिन अब मेनका गांधी ने स्थिति साफ कर दी है। मेनका गांधी ने अपने बयान में वरुण के सियासी भविष्य को लेकर क्या भविष्यवाणी की है, सुनिए। मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। कहीं उन पे अलग से कोई तैयारी वगैरह है लड़ने की, जैसे नहीं ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं है। क्या कहा जा सकता है आगे क्या भविष्य होगा उनका, क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। तो सुना आपने, मेनका गांधी का साफ कहना है कि टिकट क्यों कटा ये नहीं पता, लेकिन वरुण एक अच्छे सांसद थे और वह भविष्य में जो भी बनेंगे अच्छा बनेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। मेनका गांधी ने वरुण के बागी बनने पर यह भी कहा कि वह ऐसे लोग नहीं है। फिलहाल मेनका गांधी ने कई तरह के सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन बयान से कई सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल है, मेनका गांधी एक मां की तरह बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना कर रही हैं या फिर एक नेता की तरह वह वरुण गांधी का भविष्य खुद तय कर चुकी हैं, जिसे आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि टिकट कटने के बाद वरुण गांधी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने एक पत्र लिखकर जरूर पीलीभीत की जनता के साथ हमेशा रहने का वादा किया था।